स्वागत है दोस्तों। हमारे देश को दुनिया का सबसे डाइवर्स देश कहा जाता है, पर इसके बाद भी एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हम सबको एकजुट करती है वो है क्रिकेट। और जहां क्रिकेट का नाम लिया जाए वहां आईपीएल का ख्याल ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। पर क्या आपको पता है कि आईपीएल को शुरू करने का सारा श्रेय बीसीसीआई के एक्स वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी को दिया जाता है, क्योंकि आईपीएल का आइडिया भी उसका था और आइडिया से हकीकत में लाने का सारा काम भी उसी ने ही किया था। पर आज आईपीएल के इस गॉडफादर की इज्जत सिर्फ एक भगोड़े जितनी रह गई है। तो आखिर ऐसा क्या किया था ललित मोदी ने, चलिए जानते हैं उसकी पूरी स्टोरी। दोस्तों, ललित मोदी का जन्म 1963 के दिल्ली में हुआ था और उसके पिता थे दिल्ली के एक बड़े और मशहूर बिजनेसमैन किशन कुमार मोदी। बिजनेस फैमिली में पैदा होने की वजह से उसको बचपन से ही बिजनेस चलाने के बारे में काफी नॉलेज हो गया था। बड़े होके उसने शिमला और नैनीताल से अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म की और अमेरिका के पेस यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग और ड्यूक यूनिवर्सिटी में एमबीए ज्वाइन किया। इसी दौरान उसने अपना पहला क्राइम किया। अमेरिका की पुलिस ने उसे कोकेन ट्रैफिकिंग और एक सेकेंड डिग्री किडनैपिंग करने के लिए गिरफ्तार किया, जिसके बाद वहां की एक कोर्ट ने उसे 2 साल जेल की सजा सुनाई। पर अपने तेज दिमाग की वजह से उसने कोर्ट के जज को सजा कम करने के लिए मना लिया और जज ने उसकी सजा 2 साल की जेल से घटा के सिर्फ 100 घंटों की कम्युनिटी सर्विस कर दी। इसके बाद वो इंडिया वापस आ गया और अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। पर फैमिली बिजनेस होते हुए भी वो अपना खुद का एक अलग बिजनेस शुरू करना चाहता था और इस वजह से 1993 में उसने मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क के नाम से अपनी एक खुद की कंपनी खोली, जो कि विदेशी टीवी प्रोग्राम्स और इवेंट्स को इंडिया में टेलीकास्ट करने का काम करती थी। उसकी कंपनी ने विदेशों की कई बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट चैनल्स के साथ 10 साल की पार्टनरशिप कर ली और ये बिजनेस काफी अच्छा चला। पर जैसे ही 10 साल खत्म हुए, किसी भी विदेशी चैनल ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। हुआ यूं कि ललित का बिजनेस करने का तरीका कभी क्लियर कट और ट्रांसपेरेंट नहीं था। इस वजह से पार्टनरशिप के सारे टर्म्स और कंडीशंस पूरे करने के बावजूद भी कोई भी कंपनी उससे डील करना नहीं चाहती थी, जिस वजह से 10 साल बाद उसका ये बिजनेस धीमा पड़ गया। इसके बाद वो एक नए बिजनेस आइडिया की तलाश करने लगा और इसी तलाश ने जन्म दिया आईपीएल के कॉन्सेप्ट को। उसने ये रियलाइज किया कि इंडियंस के दिलों में क्रिकेट के लिए एक अलग ही लेवल का जुनून है और विदेश में रहने के दौरान उसने वहां की प्राइवेट स्पोर्ट्स लीग जैसे अमेरिका की बेसबॉल और बास्केटबॉल लीग्स और यूरोप की फुटबॉल लीग्स की फाइनेंशियल सक्सेस को खुद विटनेस किया था। और साथ ही उसी दौरान इंडिया में ओडीआई और टेस्ट मैच की घटती व्यूअरशिप और T20 की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख के उसे इंडिया में भी क्रिकेट का एक प्राइवेट स्पोर्ट्स लीग यानी आईपीएल शुरू करने का आइडिया आया। ये आइडिया ऐसा था जिससे सबको फायदा था, ऑडियंस को जबरदस्त एंटरटेनमेंट मिलता और ऑर्गेनाइजर्स को भर भर के एडवर्टाइजमेंट्स और स्पॉन्सरशिप के पैसे मिलते। पर जब उसने बीसीसीआई के पास अपना आईपीएल का आइडिया पिच किया तब बीसीसीआई को ये आइडिया कुछ खास नहीं लगा और उन्होंने उसके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। पर ललित की एक खास बात ये थी कि उसका डिटर्मिनेशन चट्टान जितना मजबूत था। वो जो करने की ठान लेता था वो करके ही रहता था। वो ये जानता था कि बिना बीसीसीआई के अप्रूवल के उसका आईपीएल का सपना सपना ही रह जाएगा। इस वजह से उसने खुद बीसीसीआई के बोर्ड को ज्वाइन करने की ठान ली। पर जाहिर सी बात है कि बीसीसीआई थोड़ी ना किसी एरू-गेरू को अपने बोर्ड में शामिल करेगा और इसलिए ललित ने क्रिकेट की दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से शुरू किया। पहले उसने 1999 में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में एक मेंबर के तौर पर ज्वाइन किया और वहां समय के साथ उसका एक्सपीरियंस और पद दोनों बढ़ता गया। फिर 2004 में वो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट बना और थोड़े दिनों बाद ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन गया। फिर क्रिकेट की दुनिया में उसके इस बढ़ते इन्फ्लुएंस को देख के उसे आखिरकार 2005 में बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। पर अब भी आईपीएल के आइडिया को अप्रूव कराने के लिए उसे बीसीसीआई के बाकी बोर्ड मेंबर्स को ये रियलाइज करवाना था कि क्रिकेट का कमर्शियल साइड कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। और ये साबित करने के लिए उसने 2005 से 2008 तक ऐसे जबरदस्त बिजनेस डिसीजंस लिए जिसके कारण बीसीसीआई की रेवेन्यू इन 3 सालों में 7 गुना बढ़ गई। फिर क्या था, 2008 में उसने सारे बोर्ड मेंबर्स को आईपीएल के लिए राजी कर लिया और उसी साल आईपीएल का पहला सीजन स्टार्ट हुआ, जो कि इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि हर कोई आईपीएल का हिस्सा बनना चाहता था। क्या प्लेयर्स, क्या बॉलीवुड एक्टर्स और क्या बिजनेसमैन, सबको आईपीएल में हिस्सेदारी चाहिए थी। अपने सेकंड सीजन तक आईपीएल की वैल्यूएशन 28,000 करोड़ तक की हो गई थी
और इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग में से एक में गिना जाने लगा और इसका पूरा क्रेडिट ललित मोदी को दिया जा रहा था। पर 2010 तक स्कैंडल्स और कॉन्ट्रोवर्सीज में घिर के ललित अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट से अलग हो चुका था और इंडिया छोड़ के लंदन फरार हो गया था। पर आखिर हुआ क्या था और कैसे शुरू हुई ये कॉन्ट्रोवर्सी? दोस्तों, हुआ यूं कि आईपीएल की ग्रोथ के साथ साथ ललित पर नेपोटिज्म के आरोप भी बढ़ने लगे। वो आईपीएल की कई प्रॉफिटेबल डील्स अपने फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स को देने लगा। इसका एक एग्जाम्पल टीम राजस्थान रॉयल्स की ओनरशिप में देखने को मिला, जहां ललित ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके टीम की मेजोरिटी ओनरशिप अपने साले सुरेश चेलाराम को दे दी थी। एक और एग्जाम्पल है टीम कोची टस्कर्स केरला का, जिसे 2010 में एक नई टीम के तौर पर उतारा जाना था। इस टीम की ओनर थी रॉन्डेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड, जो कि कई सारे इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप था, और इसमें एक मेजोरिटी शेयर होल्डर थी सुनंदा पुष्कर, जो कि तब के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर शशि थरूर की वाइफ थी। हुआ यूं कि कोची टस्कर्स केरला और आईपीएल के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसके तहत टीम के ओनरशिप की डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखनी थी। पर उस समय ललित ने ट्विटर पे इस टीम के ओनरशिप की सारी डिटेल्स लीक कर दी, जिसके बाद शशि थरूर पे करप्शन और अपनी पोजीशन का मिसयूज करने का आरोप लगने लगा और ये बवाल इतना बड़ा हो गया कि शशि थरूर को अपने पद से रिजाइन करना पड़ा। और ये स्कैंडल सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होते। 125 करोड़ वाला WSG ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वाला स्कैम, फिर आईपीएल की टीम ऑक्शंस में वीडियोकॉन ग्रुप और अदानी ग्रुप को फेवर करने का स्कैंडल, और राजस्थान के तब के सीएम वसुंधरा राजे के बेटे के साथ मिलके मॉरिशियस वाली कंपनी के साथ किए गए फेक ट्रांजैक्शंस वाला स्कैम। इन स्कैंडल्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि इन्हें गिनते गिनते घंटों लग जाएंगे। फिर इन स्कैंडल्स की न्यूज बाहर आने के बाद 2010 में BCCI ने ललित को आईपीएल के चेयरमैन के पद से सस्पेंड कर दिया। फिर सरकारी जांच एजेंसीज उसके द्वारा किए गए पिछले सारे ट्रांजेक्शन का इन्वेस्टिगेशन करने लगी, पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के कुछ दिन बाद ही ललित लंदन फरार हो गया। इसके बाद ईडी ने फाइनेंशियल गड़बड़ी और टैक्स की चोरी के आरोप में उस पे 122 करोड़ का फाइन लगा दिया और साथ ही एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू कर दिया। और आज गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है उसे लंदन से इंडिया वापस लाने की। ललित मोदी की अभी की स्थिति यह है कि वो अपने फैमिली बिजनेस को पूरे यूरोप में एक्सपेंड करने में लगा है और लंदन में बिना किसी की परवाह किए ऐसो आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा है। तो दोस्तों, ये थी आईपीएल के गॉडफादर ललित मोदी की स्टोरी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।